आज इस वक्त जो गवर्नमेंट ने आर्डर किया है कि 50% पैसेंजर बिठा के जो है पैसेंजर गाड़ी चलेगी, तो उसकी इमरजेंसी मीटिंग जो है वो कॉल की गई, जिसमें सभी रूट्स के प्रेसिडेंट यहाँ बैठे हुए हैं और एक फैसला लिया गया है कि जब तक किराया नहीं बढ़ाया जाएगा 50%, तो कल से गाड़ियाँ जो हैं वो ऑटोमेटिकली खड़ी हो जाएंगी, क्योंकि 50% पैसेंजर बिठा के गाड़ी का डीजल भी नहीं पूरा हो सकता है और अपनी जेब से पैसा डाल के कोई भी ट्रांसपोर्टर जो है वो गाड़ी नहीं चलाएगा। जो पिछली दफ़ा कोरोना का जब हमने गाड़ियां चलानी शुरू की थी, जब गवर्नमेंट के साथ मीटिंग होके चलानी शुरू की थी, तब पैसेंजर बस को या मेटाडोर को 60% इन्होंने कहा था कि 67% आप पैसेंजर बिठा सकते हो और 30% इन्होंने किराया बढ़ाया था कोरोना का। तो आज जब ये 50% पैसेंजर बिठाने के लिए बोल रहे हैं, तो फिर 50% किराया बढ़ाएंगे तभी गाड़ियां चल सकती हैं, वरना कल से गाड़ियां ऑटोमेटिकली खड़ी हो जाएंगी। और मुझे तो ये लगता है कि गवर्नमेंट इसको अपने ज़िम्मे नहीं लेनी चाहती है और उन्होंने एक ऐसा आर्डर किया है कि जब गाड़ियां खड़ी होंगी तो ऑटोमेटिकली लॉकडाउन हो जाएगा, क्योंकि चक्का चलने से ही सारा सिस्टम चलता है और जब हम मजबूर होकर गाड़ियां खड़ी कर देंगे तो फिर ऑटोमेटिकली जो है वो लॉकडाउन की सिचुएशन बन जाती है। तो अगर गवर्नमेंट इसको चलाना चाहती है तो गवर्नमेंट को 50% किराया बढ़ाना पड़ेगा, कोई भी अपनी जेब से, क्योंकि 50% के साथ तो डीजल भी नहीं पूरा होगा, तो लिहाजा कोई भी अपनी जेब से पैसे डाल के गाड़ी नहीं चलाएगा। तो मैं यही आम पब्लिक को कभी बेड सोने के अलावा खेल का मैदान होता है, खाने की मेज पर खाने के अलावा अपनों का साथ होता है, इसीलिए तो हम कहते हैं कि एक मकान घर तब बनता है जब वो KS फर्नीचर से सजता है। रिश्तों की मिठास का एहसास KS फर्नीचर के साथ।